राजस्थान के समस्त प्रतियोगी छात्र छात्राओं को मेरा नमस्कार। मैं धर्मेंद्र फौजदार गुरु कृपा क्लासेज के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, राजस्थान कला संस्कृति की सीरीज हमारी चल रही थी और राजस्थान कला संस्कृति की सीरीज में हम पढ़ रहे थे राजस्थान के प्रमुख दुर्ग। स्थापत्य कला टॉपिक चल रहा था। स्थापत्य कला टॉपिक में हमने राजस्थान के दुर्गों को एक बृहद विस्तृत रूप से अध्ययन किया। दुर्गों के अतिरिक्त उस स्थापत्य कला में महल, मंदिर, छतरी, स्मारक आदि हैं और उनको मैं आपको टेस्ट सीरीज के माध्यम से लेकर आने वाला हूं। उसमें बोर्ड पे समझाने के लिए इतना कुछ ज़्यादा नहीं होता है, वो टेस्ट सीरीज के माध्यम से आपको क्लियर करा दिया जाएगा। आज हम राजस्थान कला संस्कृति का एक बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं और 100% क्वेश्चन आता है और एक ऐसा टॉपिक जो लगातार बराबर प्रश्न देने वाला है, और वो टॉपिक है दोस्तों राजस्थान की कला संस्कृति में राजस्थान के प्रमुख संप्रदाय। संप्रदाय एवं संत हम पढ़ेंगे इसमें, तो राजस्थान के प्रमुख संप्रदायों के बारे में हम बात करेंगे। राजस्थान के प्रमुख संप्रदाय इम्पॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। राजस्थान पुलिस पटवा रीड सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड आदि सभी एग्जामों में ये प्रश्न देता है, तो आज हम इस टॉपिक को बड़े आसानी से आगे बढ़ाएंगे। तो राजस्थान के संप्रदाय हम आगे बढ़ें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों तक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों राजस्थान के प्रमुख संप्रदाय में हम देखें तो हमारे राजस्थान के जो संप्रदाय हैं इनको चार भागों में बांटा गया है। राजस्थान के संप्रदाय को प्रमुख रूप से कितने भागों में बांटा गया है? इन राजस्थान के जो संप्रदाय हैं दोस्तों, राजस्थान के संप्रदायों को प्रमुख रूप से चार भागों में बांटा गया है। अब चार भागों में बांटा गया है तो वो चार भाग कौन कौन से, हमें उन चार भागों के बारे में देखना है। तो नंबर एक है दोस्तों कौन सा संप्रदाय, तो चार भागों के बारे में अगर हम बात करेंगे तो नंबर एक आ जाता है हमारा वैष्णव संप्रदाय। वैष्णव संप्रदाय नंबर एक है, वैष्णव संप्रदाय। नंबर दो की अगर दोस्तों हम बात करते हैं तो नंबर दो में है शाक्त संप्रदाय। नंबर तीन के बारे में, नंबर दो में हम ले लेते हैं यहां शैव संप्रदाय। नंबर तीन शाक्त संप्रदाय और दोस्तों नंबर चार है नाथ संप्रदाय। तो आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान के जो संप्रदाय हैं इनको कितने प्रकारों में बांटा गया है, चार प्रकारों में बांटा गया है। नंबर एक वैष्णव संप्रदाय, नंबर दो शैव संप्रदाय, नंबर तीन शाक्त संप्रदाय, नंबर चार नाथ संप्रदाय। इसके बारे में हमें देखना है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं अपन नंबर एक वैष्णव संप्रदाय, यही इंपॉर्टेंट है। अगर आपका ये क्लियर हो गया तो आपके संप्रदाय क्लियर हो जाते हैं। मेन जो है वो सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा जो प्रश्न आते हैं वो वैष्णव संप्रदाय से ही आते हैं। ये जो वैष्णव संप्रदाय है दोस्तों, इस वैष्णव संप्रदाय को फिर दो भागों में बांटा गया है। वैष्णव संप्रदाय को फिर पुनः दो भागों में बांटा गया है और आपको यहीं से प्रश्न आपको याद रखना है कि ये जो दो भाग हैं वैष्णव संप्रदाय के, आपको प्रश्न यहीं से आता है। इसमें नंबर एक है दोस्तों सगुण संप्रदाय। वैष्णव संप्रदाय में नंबर एक कौन से आ जाएंगे, सगुण संप्रदाय, और नंबर दो के बारे में हम बात करेंगे दोस्तों तो ये आ जाएंगे निर्गुण संप्रदाय। आपको ध्यान रखना है, यहीं से प्रश्न आएगा दोस्तों। वैष्णव संप्रदाय को पुनः दो भागों में बांट दिया, सगुण संप्रदाय और निर्गुण संप्रदाय। अब यहां से हमें ध्यान रखना है कि सगुण संप्रदाय कौन कौन से हैं और निर्गुण संप्रदाय कौन कौन से हैं। तो इसके लिए दोस्तों मैं आपको यहां पे लाइन बता रहा हूं, कुछ ट्रिक्स के माध्यम से चलूंगा। तो सगुण संप्रदाय के लिए आपको याद करना है तो सगुण संप्रदाय आप इस तरीके से, इस लाइन से याद कर सकते हैं। मैं आपको यहां एक शब्द लिख रहा हूं, गोबरा की रानी। कहां की रानी है दोस्तों, गोबरा की रानी। आपको ये याद कर लेना है, ठीक है, कि गोबरा की रानी अगर आपने याद कर लिया तो गोबरा की रानी से आपके सगुण संप्रदाय कंप्लीट हो जाएंगे। निर्गुण संप्रदाय के लिए आपको फिर ऐसे ही एक लाइन इधर याद कर लेनी है। निर्गुण संप्रदाय में आप याद कर लोगे निजला जबरा दादू का। इस तरीके से आपको याद कर लेना है।
देखिए यहाँ पर सगुण संप्रदाय में क्या याद करना है, गोबरा की रानी। निर्गुण संप्रदाय में क्या याद करना है आपको, निजला जबरा दादू का। ये जो संप्रदाय है निर्गुण, वो इस लाइन से निकल के आ जाएंगे और सगुण जो है वो इस लाइन से निकल कर आ जाएंगे। जैसे अगर हम बात करें सगुण संप्रदाय की, तो देखें यहाँ गो, गो से नंबर एक आ जाएगा साथियों गौड़ीय संप्रदाय। ध्यान रखना यहीं से प्रश्न आएगा आपसे, गौड़ीय संप्रदाय नंबर एक कौन सा आ गया, गौड़ीय संप्रदाय। वाह, वा से अगर हम बात करें दोस्तों नंबर दो बल्लभ संप्रदाय, कौन सा बल्लभ संप्रदाय। कौन से संप्रदाय हैं ये, वैष्णव संप्रदाय के सगुण संप्रदाय। रा, रा से अगर दोस्तों हम यहाँ पे बात करें तो रा से आ जाएगा देखें रामानंदी संप्रदाय, रामानंदी संप्रदाय, रामानंदी संप्रदाय। फिर रा या की से कोई मतलब नहीं करना है आपको, की साइलेंट रखना है। रा से फिर हम ले आएंगे यहाँ पे रामानुजन संप्रदाय, रामानुजन संप्रदाय। ध्यान से देखते चले आपका टॉपिक यही क्लियर हो जाएगा। हालांकि ये दोनों एक ही हैं, वो ध्यान रखना है आपको, लेकिन ट्रिक में दो जगह रा आया था, रा और रा। तो यहाँ रा से रामानंदी ले लिया, तो रा से फिर रामानुजन ले लिया। रामानंदी और रामानुजन एक ही है, इसी का तीसरा नाम रसिक संप्रदाय भी है, ठीक है। और इसके बाद देखें दो, यहाँ पे जो नी है ना, इससे दो संप्रदायों के नाम निकलेंगे दोस्तों। एक है निम्बार्क संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, और एक है दोस्तों निष्कलंक संप्रदाय। संत माप जी ने चलाया था निष्कलंक, निष्कलंक संप्रदाय। आप ये टेबल जरूर बनाएं जिससे कि आपको हमेशा के लिए ये याद हो जाएंगे। तो वैष्णव संप्रदाय के सगुण संप्रदाय आपको याद हो गए यहाँ पे, गोबरा की रानी, गौड़ीय संप्रदाय, बल्लभ संप्रदाय, रा से रामानंदी संप्रदाय, फिर रा से रामानुजन संप्रदाय, नी से निम्बार्क संप्रदाय, और फिर नी से यानी निष्कलंक संप्रदाय। अब बात करते हैं दोस्तों वैष्णव संप्रदाय के निर्गुण संप्रदायों के बारे में। निर्गुण संप्रदाय के लिए मैंने आपसे यह लाइन लिखी हुई है कि निजला जबरा दादू का। तो देखें यहाँ पे निजला जबरा दादू का से हमें निकालना है, तो नंबर एक देखो ये जो निज लिख रहा है ना दोस्तों, यहां निज से लेंगे हम निरंजनी संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय, निरंजनी, निरंजनी संप्रदाय, निरंजनी संप्रदाय। ला, ला से लेंगे दोस्तों लाल दासी संप्रदाय, लाल दासी संप्रदाय। बहुत आसान है, अगर आप इस तरीके से याद करेंगे तो आपका ये क्वेश्चन कभी गलत नहीं होना है। लालदासी संप्रदाय। जा, जा से याद करेंगे दोस्तों जसनाथी संप्रदाय, जसनाथी संप्रदाय, जसनाथी संप्रदाय। फिर दोस्तों यहां बा, बा से यानी हमें देखना है तो जसनाथी संप्रदाय के बाद में बा, वा से आ जाता है। जैसे यहां पे हमारा बल्लभ आ गया, तो यहां पे बा से आ जाएगा विष्णुई संप्रदाय। ध्यान रखना है बा से कौन सा आ जाएगा, विष्णुई संप्रदाय। अब ये जो विष्णुई संप्रदाय है, ये ध्यान रखना है आपको निर्गुण संप्रदाय का है, और बल्लभ जो संप्रदाय है वो गोबरीय, जो गोबरा की रानी वाला सूत्र है, ये सगुण का है, ठीक है। फिर रा, रा से फिर यहाँ पे हमें लेना है, देखो यहाँ पे अब रा से अगर हमने यहाँ देखे थे तो रा और रा, यहाँ पे रामानंदी संप्रदाय और रामानुजन संप्रदाय आया था, लेकिन अगर हम यहाँ के रा से बात करेंगे तो यहाँ राम स्नेही संप्रदाय, राम स्नेही संप्रदाय, राम स्नेही संप्रदाय। कौन सा है, वैष्णव संप्रदाय का ये, लेकिन कौन से संप्रदायों में से आता है, निर्गुण संप्रदाय में से आता है दोस्तों। और दादू, दादू से हमें ले आना है नंबर छह, दादू पंथी संप्रदाय, दादू पंथी संप्रदाय, ठीक है साथियों। ये आपके संप्रदाय छह इधर हो गए निर्गुण के और छह इधर हो गए सगुण के। तो ये आपको टेबल बना लेनी है, मैं स्क्रीनशॉट लेने के लिए आपको समय दे दूंगा, आप आसानी से इसको बना लेना। अब हम बात करते हैं दूसरे नंबर दो के बारे में दोस्तों, सैब संप्रदाय, ठीक है। नंबर दो कौन सा संप्रदाय है, सैब संप्रदाय, ठीक है। ये हो गया आपका नंबर एक, इधर से मैं इसको बना देता हूँ, लो ये अलग हो गया। अब नंबर दो हम बात करेंगे सैब संप्रदाय के बारे में। तो दोस्तों ये जो सैब संप्रदाय है, इनको हम यहीं पे क्लियर कर लेंगे, आगे इनमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, क्योंकि आगे हमें केवल यही पढ़ने हैं, ठीक है। इनको हम यहीं पे ढंग से याद कर लेते हैं, एक एक दो दो पॉइंट है। इस सैब संप्रदाय के, जो सैब संप्रदाय की बात करें दोस्तों, तो इसमें शिव की पूजा की जाती है। इसमें किसकी पूजा की जाती है, शिव की, ठीक है। सैब संप्रदाय में शिव की पूजा की जाती है, पहली बात तो आपको यह याद रखना है। सैब संप्रदाय के प्रवर्तक के बारे में अगर हम बात करें,
तो शैव संप्रदाय के जो प्रवर्तक माने जाते हैं दोस्तों, वो माने जाते हैं दंड धारी लकुलीस, दंडधारी लकुलीस। ये ध्यान रखना है आपको कि शैव संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, दंडधारी लकुलीस माने जाते हैं दोस्तों शैव संप्रदाय के प्रवर्तक। और ये जो शैव संप्रदाय है ना, शैव संप्रदाय के चार उप संप्रदाय हैं। जैसे यहां वैष्णव संप्रदाय के ये हो गए सगुण संप्रदाय और निर्गुण संप्रदाय, उसी प्रकार से शैव संप्रदाय के चार उप संप्रदाय माने जाते हैं। तो आपको ये याद रखने हैं चार उप संप्रदाय कौन कौन से हैं। तो शैव संप्रदाय के चार उप संप्रदाय, इनके लिए आपको एक नाम याद रखना है और उसी नाम में संप्रदाय का भी नाम आता है और संप्रदायों की ट्रिक भी आ जाती है। सो उप संप्रदाय अगर हम देखें तो देखो, उप संप्रदाय याद रखने के लिए मैं आपको एक छोटा सा जुगाड़ बता देता हूँ। उप संप्रदाय के लिए आप एक ट्रिक याद करेंगे और उस ट्रिक का नाम है दोस्तों कापालिक, कापालिक। बस आपको इतना सा याद करना है, शैव संप्रदाय के चार उप संप्रदाय हैं जिनको नाम याद करने के लिए है कापालिक, ये लाइन एक शब्द याद करना है। तो देखें कापालिक में कौन कौन से नाम आपसे पूछे जाएंगे या आपके उप संप्रदाय निकल के आएंगे। ये जो का है ना, नंबर 1 2 3 4, ये उप संप्रदाय है इस शैव संप्रदाय के। का से पूरा का पूरा कापालिक आ जाएगा, कापालिक खुद एक उप संप्रदाय है शैव संप्रदाय का। कापालिक आ गया, कोई समस्या नहीं करनी है, का से कापालिक भी हो गया। देखो पा, पा से आएगा दोस्तों पाशुपति, पाशुपति संप्रदाय। अब आपको ध्यान रखना है पाशुपति संप्रदाय कौन से संप्रदाय का उप संप्रदाय है, शैव संप्रदाय का उप संप्रदाय है। ली, ली से अगर हम बात करें दोस्तों तो ली से आ जाएगा लिंगायत, लिंगायत संप्रदाय। ध्यान रखना है कि लिंगायत संप्रदाय, पाशुपति संप्रदाय, कापालिक संप्रदाय, ठीक है। और का, का से चौथा नंबर चार है दोस्तों काश्मीरक संप्रदाय, काश्मीरक संप्रदाय, ठीक है। तो आपको यहां ध्यान रखना है शैव संप्रदाय कंप्लीट होता है, शैव संप्रदाय में शिव की पूजा होती है, प्रवर्तक हो गए दंडधारी लकुलीश, इसके चार उप संप्रदाय। उप संप्रदाय को याद करेंगे तो इसका सूत्र है कापालिक, कापालिक में चारों उप संप्रदायों के नाम आ जाएंगे। कापालिक से का से पूरा कापालिक आ गया, पा से पाशुपति संप्रदाय आ गया, ली से लिंगायत संप्रदाय आ गया और का से काश्मीरक संप्रदाय निकल कर आ जाता है। तो दोस्तों कितने संप्रदाय क्लियर हो गए आपके, दो। इसमें हम बड़े बृहद स्तर पर चलेंगे, आगे चलेंगे। अब हम बात करते हैं दोस्तों, यहां पर आपके ये दो संप्रदाय कंप्लीट हो जाते हैं, बचे अब ये दो। इसमें देखेंगे शाक्त संप्रदाय, शाक्त संप्रदाय में हम बात करें तो जैसे शैव संप्रदाय में किसकी पूजा हुई थी, शिव की पूजा, कि शैव संप्रदाय में शिव की पूजा होती है, उसी प्रकार से शाक्त संप्रदाय में शक्ति की पूजा होती है। शाक्त संप्रदाय में किसकी पूजा होती है, शक्ति की पूजा होती है, ठीक है ना, शक्ति की पूजा होती है। अब शक्ति का मतलब क्या है, दुर्गा, ठीक है, शक्ति की पूजा होती है। तो इसमें दुर्गा की पूजा होती है, दुर्गा। तो इसमें केवल आपको इतना ही ध्यान रखना है कौन से संप्रदाय में शक्ति या दुर्गा की पूजा होती है, शाक्त संप्रदाय में। और दोस्तों नाथ संप्रदाय के बारे में अगर हम बात करें यहां पर, तो नाथ संप्रदाय जो है इसके प्रवर्तक माने जाते हैं नाथ मुनि। कौन माने जाते हैं, नाथ मुनि। ध्यान रखना है कि नाथ संप्रदाय के जो प्रवर्तक माने जाते हैं वो नाथ मुनि को माना जाता है। और इस संप्रदाय को जो संरक्षण दिया गया था, ये जो नाथ संप्रदाय है ये हमारे राजस्थान में मारवाड़ रियासत, जो जोधपुर रियासत थी, उस जोधपुर रियासत में इस संप्रदाय को संरक्षण दिया था। महाराजा अजीत सिंह के काल में इसको सबसे ज्यादा संरक्षण दिया गया था। तो आपको ये ध्यान रखना है नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हो गए, नाथ मुनि। और इसको संरक्षण देने वाली कौन सी रियासत है, नाथ संप्रदाय को संरक्षण देने वाली रियासत है जोधपुर रियासत या मारवाड़ रियासत। आपको ध्यान रखना है कि जोधपुर रियासत या मारवाड़ रियासत जो है वो इस नाथ संप्रदाय को संरक्षण देने वाली रियासत मानी जाती है। तो दोस्तों ये तो हो गया हमारे राजस्थान के संप्रदायों का वर्गीकरण। आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आनी चाहिए, चार संप्रदाय हैं, चारों संप्रदायों का मैंने आपको वर्गीकरण करा दिया है। और अब इसके बाद में हमें नंबर एक ये जो वैष्णव संप्रदाय है इसको हमें विस्तृत रूप से पढ़ना है। तो वैष्णव संप्रदाय में हम सबसे पहले पढ़ेंगे सगुण संप्रदाय, उसके बाद हम निर्गुण संप्रदाय। सगुण 6 आएंगे और निर्गुण भी 6 आ जाएंगे, तो इनके बारे में हमें विस्तृत रूप से अध्ययन करना है, ठीक है।
अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो स्क्रीनशॉट लेने के लिए मैं आपको अलग हो जाता हूं थोड़ा सा, आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि एक इम्पोर्टेंट तथ्य मैंने आपको इसी में जोड़ दिए हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ले लें जल्दी से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इसमें और अधिकांशतः जो आपसे गलती होती है वो इसी जगह पे हो जाती है। तो बढ़ते हैं फिर आगे, तो आप कंप्लीट हो गया, अब देखते हैं इसमें नंबर एक देखेंगे हम बेस्ट ऑफ संप्रदाय के बारे में। ठीक है दोस्तों, अब इसको मैं थोड़ा मिटा देता हूं। देखें अब हम नंबर एक स्टार्ट करेंगे वैष्णव संप्रदाय को, और वैष्णव संप्रदाय में से हम पहले सगुण संप्रदाय जो है उनको क्लियर करते हैं। तो नंबर एक वैष्णव संप्रदाय, ये ध्यान रखना है हमारा संप्रदाय वैष्णव ही चलेगा, तो वैष्णव संप्रदाय। अब वो जो टेबल मैंने आपको बनवाई है उस टेबल के अकॉर्डिंग हम संप्रदायों को आगे बढ़ाते रहेंगे। ठीक है, वैष्णव संप्रदाय, और वैष्णव संप्रदाय में हम नंबर एक चर्चा करेंगे कौन से संप्रदाय के बारे में। सबसे पहले हम संप्रदाय लेंगे दोस्तों गौड़ीय संप्रदाय, नंबर एक पर गौड़ीय संप्रदाय ही था, गौड़ीय संप्रदाय। ठीक है, गौड़ीय संप्रदाय के बारे में अगर हम बात करेंगे तो गौड़ीय जो संप्रदाय है इसके जो इसके संप्रदाय का प्रारंभ हुआ था तो कब हुआ, कहां से हुआ, कैसे हुआ और इसको आगे बढ़ाया, किसने बढ़ाया, उसी तरीके से हम इस पर चर्चा करने वाले हैं। इस गौड़ीय संप्रदाय के बारे में हम बात करें दोस्तों, तो गौड़ीय संप्रदाय का जो प्रारंभ हुआ था, गौड़ीय संप्रदाय का प्रारंभ, इस संप्रदाय का जो प्रारंभ हुआ था दोस्तों वो माधवाचार्य के समय हुआ था। किसके समय हुआ था, माधवाचार्य। ध्यान रखना है कि इस संप्रदाय का जो प्रारंभ हुआ है वो माधवाचार्य के समय किया गया था, माधवाचार्य। ठीक है, माधवाचार्य के समय में इस संप्रदाय का प्रारंभ हुआ था, माधवाचार्य ने पूर्ण प्रज्ञ भाष्य नामक ग्रंथ लिखा था। माधवाचार्य ने कौन सा ग्रंथ लिखा है, पूर्ण प्रज्ञ भाष्य। ध्यान रहे कि माधवाचार्य ने पूर्ण प्रज्ञ भाष्य नामक एक ग्रंथ लिखा और इन्होंने एक दर्शन दिया था, और इस माधवाचार्य के द्वारा जो दर्शन दिया गया था वो दर्शन, इनके द्वारा दिया गया दर्शन था द्वैतवाद। कौन सा दर्शन दिया गया था, द्वैतवाद दर्शन के प्रणेता माने जाते हैं माधवाचार्य। ध्यान रहे तो माधवाचार्य, इस गौड़ीय संप्रदाय का प्रारंभ इनके समय से हुआ था, दसवीं शताब्दी में माना जाता है माधवाचार्य का काल, और उन्होंने पूर्ण प्रज्ञ भाष्य नामक ग्रंथ लिखा और इन्होंने द्वैतवाद दर्शन दिया था। इस इन माधवाचार्य के एक शिष्य थे दोस्तों, और माधवाचार्य के शिष्य थे गौड़ स्वामी। माधवाचार्य के शिष्य कौन है, गौड़ स्वामी। ध्यान रखना यहां पर माधवाचार्य के शिष्य हैं गौड़ स्वामी, और इस गौड़ स्वामी ने इस दर्शन का, ये जो द्वैतवाद दर्शन दिया माधवाचार्य ने, इस गौड़ स्वामी ने इस दर्शन का प्रचार प्रसार किया था। ध्यान रखना है कि इस दर्शन का जो प्रसार प्रसार किया है माधवाचार्य के शिष्य गौड़ स्वामी के द्वारा किया गया है। अब बात करते हैं दोस्तों हम इस गौड़ीय संप्रदाय के बारे में, तो इसका प्रारंभ तो हुआ माधवाचार्य के समय से, लेकिन इस गौड़ीय संप्रदाय, ये जो गौड़ीय संप्रदाय है, इस गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक जो माने जाते हैं, गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं चैतन्य महाप्रभु। गौड़ीय संप्रदाय, आपसे सीधा सा प्रश्न पूछा जाता है और यहीं से प्रश्न आएगा, ध्यान रखना, गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, चैतन्य महाप्रभु माने जाते हैं। ठीक है, चैतन्य महाप्रभु को गौड़ीय संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। ये जो चैतन्य महाप्रभु है इनके बारे में दोस्तों अगर बात करें तो चैतन्य महाप्रभु के बचपन का नाम, इनके बचपन का जो नाम है वो है गौरांग, आपको याद रखना है। ये प्रश्न सीधा सीधा सा पूछा गया था कि किसके बचपन, चैतन्य महाप्रभु के बचपन का नाम क्या है, तो चैतन्य महाप्रभु के बचपन का नाम है गौरांग। अब दोस्तों ये जो गौड़ीय संप्रदाय है, इस गौड़ीय संप्रदाय में जो भक्ति भाव रखा गया है वो
किसका रखा गया है? तो आपको यह ध्यान रखना है कि गौड़ीय संप्रदाय में श्री कृष्ण, गौड़ीय जो संप्रदाय है, इस गौड़ीय संप्रदाय में किसको भक्ति भाव में रखा गया है? तो यहां गौड़ीय जो संप्रदाय है इसमें श्री कृष्ण को ही भक्ति भाव में रखा गया है। या हम कह सकते हैं कि इस संप्रदाय के जो अनुयायी हैं वो अपना आराध्य देव किसको मानते हैं? श्री कृष्ण को मानते हैं। तो यहां प्रवर्तक हो गए चैतन्य महाप्रभु, इनके बचपन का नाम हो गया साथियों गौरांग। इससे चैतन्य जो महाप्रभु थे, चैतन्य महाप्रभु का जो जन्म हुआ है, चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ था दोस्तों पश्चिम बंगाल में। कहाँ हुआ? पश्चिम बंगाल। ध्यान रखना है कि चैतन्य महाप्रभु का जो जन्म हुआ है पश्चिम बंगाल में हुआ। पश्चिम बंगाल में एक जिला पड़ता है और पश्चिम बंगाल का अगर जिला आपसे पूछा जाता है तो वो है नदिया। ठीक है, पश्चिम बंगाल के नदिया नामक एक जिला है, नदिया में इनका जन्म हुआ था दोस्तों, और यहाँ से इस गौड़ीय संप्रदाय को इन्होंने आगे बढ़ाया था। लेकिन अगर हम इसके बारे में बात करते हैं तो ये जो संप्रदाय है, इस संप्रदाय का प्रारंभ भी अब कहाँ से हुआ है? पश्चिम बंगाल से ही माना जाता है। ठीक है, तो अब ये जो गौड़ीय संप्रदाय है, ये गौड़ीय संप्रदाय पश्चिम बंगाल से, गौड़ीय संप्रदाय पश्चिम बंगाल से वृंदावन होते हुए, गौड़ीय संप्रदाय पश्चिम बंगाल से कहाँ गया? वृंदावन। वृंदावन होते हुए दोस्तों ये हमारे राजस्थान, और राजस्थान के जयपुर में गौड़ीय संप्रदाय पश्चिम बंगाल से वृंदावन होते हुए राजस्थान के जयपुर में पहुंचा। ठीक है, अब जयपुर में पहुंचा तो ये जो गौड़ीय संप्रदाय है, इस गौड़ीय संप्रदाय की जो राजस्थान में प्रधान पीठ, आपको प्रश्न याद करने हैं तो आपसे जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो प्रश्न पूछे जाते हैं राजस्थान में कौन से संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ है या अन्य पीठ कहाँ है। इन पीठों को आप याद कर लेना, पीठ जो या इनके जो प्रमुख स्थल हैं वो पीठ के नाम से जाने जाते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि जब ये संप्रदाय जयपुर पहुंचा तो राजस्थान में इस संप्रदाय की प्रधान पीठ, ध्यान रखना है, राजस्थान में इस गौड़ीय संप्रदाय की जो प्रधान पीठ रखी गई है वो प्रधान पीठ राजस्थान में जयपुर में रखी गई, और जयपुर में इसकी प्रधान जो पीठ है वो है गोविंद देव जी का मंदिर। ठीक है, कि गोविंद देव जी का मंदिर, ध्यान रखना है, गोविंद देव जी का जो मंदिर है साथियों वो इस संप्रदाय की राजस्थान में प्रधान पीठ मानी जाती है। कौन से संप्रदाय की? गौड़ीय संप्रदाय की। अब गोविंद देव जी का मंदिर इस संप्रदाय की प्रधान पीठ है, तो अब प्रश्न ये आ जाता है गोविंद देव जी का मंदिर कहाँ है, इसका निर्माण किसने करवाया। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे यहाँ पे, तो देखें गोविंद देव जी के जो मंदिर है राजस्थान में, इनका जो प्रमुख मंदिर है वो सिटी पैलेस जयपुर में बना हुआ है। तो यहाँ पे मैं आपको मिटा देता हूँ दोबारा यहाँ से, तो ये जो गौड़ीय संप्रदाय है, इस गौड़ीय संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ पे हो गई है? गोविंद देव जी के मंदिर में हो गई। गोविंद देव जी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? सिटी पैलेस जयपुर में। अब सिटी पैलेस जयपुर में है तो अब प्रश्न ये आ जाता है कि राजस्थान में जयपुर में गोविंद देव जी के मंदिर का जो निर्माण करवाया है, गोविंद देव जी के मंदिर का निर्माण, गोविंद देव जी का जो मंदिर है, गोविंद देव जी के मंदिर का जो निर्माण करवाया है साथियों वो किसके द्वारा करवाया गया है? तो ध्यान रखना है कि राजस्थान के जयपुर में गोविंद देव जी के जो मंदिर का निर्माण करवाया है, वो मंदिर का निर्माण करवाया है दोस्तों सवाई जयसिंह ने। किसने करवाया? जयपुर के शासक सवाई जयसिंह, या जयसिंह द्वितीय हम कह सकते हैं। तो सवाई जयसिंह के द्वारा राजस्थान में इस गोविंद देव जी के मंदिर का निर्माण जयपुर के सिटी पैलेस में करवाया गया था। वहीं पर अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है दोस्तों कि वृंदावन में, ध्यान रखना है, वृंदावन में गोविंद देव जी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? इनका एक प्रमुख मंदिर वृंदावन में भी है, तो वृंदावन में गोविंद देव जी के मंदिर का निर्माण, ध्यान रहे, वृंदावन में गोविंद देव जी का मंदिर, और वृंदावन में गोविंद देव जी के मंदिर का जो निर्माण करवाया है दोस्तों वो आमेर के ही शासक, कछवाहे शासक थे मानसिंह प्रथम। ठीक है, तो आमेर के कछवाहे शासक कौन है? मानसिंह प्रथम। तो वृंदावन में गोविंद देव जी के मंदिर का जो निर्माण करवाया है वो आमेर के कछवाहे शासक मानसिंह प्रथम के द्वारा करवाया गया है, जबकि राजस्थान में जयपुर में जो सिटी पैलेस में गोविंद देव जी का मंदिर है उसका जो निर्माण करवाया गया है, उसका निर्माण सवाई जयसिंह के द्वारा करवाया गया है। दोस्तों आमेर के जो कछवाहे शासक थे, ये ध्यान रहे कि आमेर के जो कछवाहे शासक थे, या फिर मैं कह सकता हूँ जयपुर के शासक,
आमेर कछवाहा बंसी रहा है जयपुर में, आमेर से प्रारंभ होता है। तो जयपुर के जो शासक हैं, आपको याद रखना है यहां से कि जयपुर के शासक गोविंद देव जी को, गोविंद देव जी को, जयपुर के शासक गोविंद देव जी को अपने राज्य का, अपने राज्य का वास्तविक स्वामी मानते थे, वास्तविक शासक मानते थे या वास्तविक स्वामी मानते थे, और स्वयं को गोविंद देव जी का दीवान मानकर, ठीक है कि स्वयं को इनका दीवान मानकर राज्य करते थे। जिस प्रकार से मेवाड़ के जो शासक थे, मेवाड़ के शासक बप्पा रावल के समय से ही एकलिंगनाथ महादेव को मेवाड़ का वास्तविक स्वामी मानकर और स्वयं को उनका दीवान मानकर राज्य करते थे, उसी प्रकार से आमेर के जो शासक थे या जयपुर के जो कछवाहे शासक थे, वो गोविंद देव जी को अपने राज्य का वास्तविक शासक मानते थे और स्वयं को इनका दीवान मानकर राज्य करते थे। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब आगे अगर हम इस संप्रदाय के बारे में और बात करते हैं, तो इसकी प्रधान जो पीठ है इस गौड़ीय संप्रदाय की, राजस्थान में प्रधान पीठ तो कहां पर हो गई है साथियों? गोविंद देव जी के मंदिर जयपुर में हो गई। लेकिन हमारे राजस्थान में गौड़ीय संप्रदाय की अन्य पीठों के बारे में बात करें, या फिर मैं आपको तीनों पीठें एक जगह लिखा देता हूं, तीन प्रमुख पीठ है राजस्थान में, तो गौड़ीय संप्रदाय की प्रधान प्रमुख पीठ, ठीक है, तो राजस्थान में गौड़ीय संप्रदाय की प्रमुख पीठों के बारे में हम देखें तो कहां कहां पर राजस्थान में गौड़ीय संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। देखें यहां राजस्थान में गौड़ीय संप्रदाय की प्रमुख पीठ, तो इसमें नंबर एक कहां पर है दोस्तों? जो इसकी प्रधान पीठ है, प्रधान पीठ कहां पर हो गई? गोविंद देव जी के मंदिर में हो गई। तो नंबर एक तो हो गया गोविंद देव जी का मंदिर, गोविंद देव जी का मंदिर, तो नंबर एक हो गया साथियों गोविंद देव जी का मंदिर। कहां पर स्थित है? सिटी पैलेस जयपुर, सिटी पैलेस जयपुर। किसने निर्माण करवाया था इसका? ये ही प्रधान पीठ है और आपको ये इसके निर्माण के बारे में ध्यान रखना है तो सवाई जयसिंह के द्वारा। दूसरी इसकी प्रधान पीठ के बारे में अगर हम बात करें तो गोविंद देव जी के मंदिर के अलावा इसकी दूसरी पीठ है गोपीनाथ जी का मंदिर। दूसरी पीठ कहाँ है? गोपीनाथ जी का मंदिर, ठीक है। इसका दूसरी इसकी पीठ कहां पर स्थित हो गई? गोपीनाथ जी का मंदिर। अब गोपीनाथ जी का मंदिर कहां पर स्थित है? तो गोपीनाथ जी का मंदिर है ब्रह्मपुरी जयपुर में। गोपीनाथ जी का मंदिर कहां स्थित है? ब्रह्मपुरी जयपुर में स्थित है। तीसरी इसकी पीठ के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसकी तीसरी पीठ है दोस्तों मदन मोहन जी का मंदिर, मदन मोहन जी का मंदिर, ठीक है। इसकी तीसरी पीठ कौन सी है राजस्थान में? मदन मोहन जी का मंदिर। और मदन मोहन जी का मंदिर कहां पर स्थित है दोस्तों? ध्यान रखना है मदन मोहन जी का मंदिर है राजस्थान में करौली, करौली में। कहां पर स्थित है? करौली में। तो आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान में गौड़ीय संप्रदाय की कितनी पीठ कहां कहां स्थित है। तो गोविंद देव जी का मंदिर सिटी पैलेस जयपुर में हो गई, गोपीनाथ जी का मंदिर ब्रह्मपुरी जयपुर में हो गया, और मदन मोहन जी का जो मंदिर है वो कहां पर स्थित है? करौली। ऐसा माना जाता है दोस्तों कि ये जो तीनों पीठ हैं और इन तीनों पीठों में जो मूर्ति स्थापित है वो किसकी मूर्ति स्थापित है? श्री कृष्ण से संबंधित मूर्ति स्थापित है। तो माना जाता है कि अगर इन तीनों की मूर्ति को जोड़ दिया जाए तो किसका स्वरूप बन जाता है? वो श्री कृष्ण का स्वरूप बन जाता है। जैसे गोविंद देव जी का जो मंदिर है सिटी पैलेस जयपुर में, यहां पर जो मूर्ति है जैसे यहां मुख की है श्री कृष्ण के मुख की, अगर हम यहाँ इस गोपीनाथ जी के मंदिर के बारे में अगर चर्चा करें तो यहाँ पर वक्ष, और अगर हम यहाँ मदन मोहन जी के मंदिर के बारे में अगर बात करते हैं तो मदन मोहन जी के मंदिर में चरण ये है। अगर हम इन तीनों को मिला देते हैं तो किसकी मूर्ति का रूप बन जाता है?
श्री कृष्ण की मूर्ति का रूप बन जाता है। तो दोस्तों ये आपका एक संप्रदाय होता है, कौन सा संप्रदाय? गौड़ीय संप्रदाय। तो गौड़ीय संप्रदाय में आपको बिल्कुल भी किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आनी चाहिए। अब हम चर्चा करते हैं एक और संप्रदाय के बारे में। दो दो संप्रदाय का हम वीडियो ले लेंगे क्योंकि एक एक करेंगे तो बहुत समय लगेगा। तो दूसरे संप्रदाय के बारे में हम बात करेंगे। अभी वैष्णव संप्रदाय ही चलेगा, लेकिन वैष्णव संप्रदाय के सगुण में हमने एक कर लिया, कौन सा? सगुण संप्रदाय में गौड़ीय संप्रदाय अपन कंप्लीट कर चुके हैं। अब गौड़ीय संप्रदाय के बाद दूसरा संप्रदाय बोलो कौन सा है। उस ट्रिक में से ध्यान रखना है आपको, जैसे मैंने आपको बताया सगुण और निर्गुण के। तो गोबरा की रानी, गोबरा की रानी में से हमने गो से कौन सा कर लिया? गौड़ीय। अब वा से कौन सा आएगा? बल्लभ संप्रदाय। तो ध्यान रखे बल्लभ संप्रदाय नंबर दो, यानी वैष्णव संप्रदाय का ही नंबर दूसरा संप्रदाय हम लेंगे वैष्णव संप्रदाय, और वैष्णव संप्रदाय का नंबर दो आ जाएगा बल्लभ संप्रदाय। ध्यान रखें दोस्तों, अब बल्लभ संप्रदाय के बारे में हम बात करेंगे। कौन से संप्रदाय के बारे में? बल्लभ। बल्लभ संप्रदाय के बारे में हम बात करें तो इस बल्लभ संप्रदाय के जो प्रवर्तक माने जाते हैं साथियों, वो माने जाते हैं बल्लभाचार्य। बल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? प्रवर्तक। इसके प्रवर्तक माने जाते हैं बल्लभाचार्य। ध्यान रखना है बल्लभाचार्य। इस बल्लभाचार्य के द्वारा, बल्लभाचार्य के द्वारा भी एक ग्रंथ की रचना की गई थी। जिस प्रकार से गौड़ीय संप्रदाय हमने किया था, माधवाचार्य ने एक ग्रंथ लिखा था पूर्ण प्रज्ञभाष्य, उसी प्रकार से बल्लभाचार्य के द्वारा जो ग्रंथ लिखा गया था, बल्लभाचार्य ने अणुभाष्य, कौन सा ग्रंथ लिखा? अणुभाष्य ग्रंथ की रचना की थी। गौड़ीय संप्रदाय में जो ग्रंथ लिखा गया था वो पूर्ण प्रज्ञभाष्य माधवाचार्य ने, और माधवाचार्य ने कौन सा दर्शन दिया था? द्वैतवाद दर्शन दिया था। जबकि इस संप्रदाय में इस बल्लभाचार्य ने अणुभाष्य ग्रंथ की रचना की, और अणुभाष्य ग्रंथ की रचना करने के बाद इन्होंने भी एक दर्शन दिया था दोस्तों, और इन्होंने दर्शन दिया शुद्धा द्वैतवाद। शुद्धा द्वैतवाद आपको ये याद करने हैं साथियों, कौन सा दर्शन किस संप्रदाय के साथ दिया गया है। तो द्वैतवाद गौड़ीय संप्रदाय, शुद्धा द्वैतवाद बल्लभ संप्रदाय। ये जो बल्लभ संप्रदाय है, इस बल्लभ संप्रदाय को हम दोस्तों पुष्टि मार्ग संप्रदाय के नाम से भी जानते हैं। बल्लभ संप्रदाय को कौन से संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है? तो ध्यान रखना है बल्लभ संप्रदाय को पुष्टि मार्ग संप्रदाय। ध्यान रखना पुष्टि मार्ग संप्रदाय किस संप्रदाय का ही उपनाम है, तो पुष्टि मार्ग संप्रदाय के नाम से जानते हैं बल्लभ संप्रदाय को ही। ये जो बल्लभ संप्रदाय है, इस बल्लभ संप्रदाय की राजस्थान में प्रधान पीठ, राजस्थान पुलिस पटवार आदि के एग्जाम में लगातार पूछा जाने वाला सवाल है, राजस्थान में बल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ कहां पर स्थित है। तो राजस्थान में बल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ है दोस्तों सिहाड़। कहां पर स्थित है? सिहाड़ में। और सिहाड़ कहां है? नाथ द्वारा राजसमंद कहां पर स्थित है। तो ध्यान रखना है आपको कि बल्लभ संप्रदाय की राजस्थान में प्रधान पीठ कहां पर स्थित है? सिहाड़ नाथ द्वारा राजसमंद में स्थित है। दोस्तों इस संप्रदाय की सात पीठ हैं। कितनी पीठ है? सात। ध्यान रखना है सात प्रमुख पीठ मानी जाती हैं। इसी प्रकार से इस बल्लभ संप्रदाय को भी सात ध्वजा वाले नाथ, जो श्रीनाथ जी हैं, उन श्रीनाथ जी को सात ध्वजा वाले नाथ के नाम से भी जाना जाता है। इस संप्रदाय में श्री कृष्ण के, ध्यान रहे इस संप्रदाय में, जैसे गौड़ीय संप्रदाय में भी उसके आराध्य देव कौन थे? श्री कृष्ण थे। बल्लभ संप्रदाय के भी आराध्य देव कौन माने जाते हैं? श्री कृष्ण ही माने जाते हैं। तो इस संप्रदाय में श्री कृष्ण के बाल स्वरूप, श्री कृष्ण के बाल स्वरूप का गुणगान किया जाता है, और भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का
बाल लीलाओं का और बाल स्वरूप का ही वर्णन इसमें किया जाता है। दोस्तों इस सिहाड़ नाथ द्वारा में जो श्री नाची की जो मूर्ति लगी हुई है इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये जो यहाँ प्रधान पीठ है सिहाड़ नाथ द्वारा में, यहाँ पर मंदिर बना हुआ है श्री नाथ जी का मंदिर। अब इस श्री नाथ जी के मंदिर के बारे में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको कि इसमें जो श्रीनाथ जी की जो मूर्ति लगी हुई है वो मूर्ति कहाँ से आई थी और किसके द्वारा ये स्थापित करवाई गई थी। तो आपको ध्यान रखते हुए चलना है कि यहाँ पर जो श्रीनाथ जी की जो मूर्ति है, इस श्रीनाथ जी की मूर्ति को वृंदावन से लाया गया था। कहाँ से लाया गया था? वृंदावन से। वृंदावन से लाया गया था और वृंदावन से लाकर इस राज संबंध में इस सिहाड़ नामक स्थान पर बनास नदी के तट पर, कौन सी नदी के तट पर? बनास नदी के तट पर राणा राज सिंह के शासनकाल की बात है। राणा राज सिंह मेवाड़ के शासक थे। 1652 से लेकर 1680 ईस्वी तक इन्होंने मेवाड़ में शासन किया था और ये राणा राज सिंह जो थे औरंगजेब के समकालीन माने जाते हैं। और उस समय औरंगजेब ने, बात समय 1679 की है, 1679 में राणा राज सिंह और औरंगजेब के मध्य में विवाद हुआ था और विवाद जब यहाँ पे हुआ था तो राणा राज सिंह जब विजयी हो गए थे औरंगजेब से, वो इतिहास की बात है, बहुत विस्तृत रूप में वहां पर हम लेकर चलेंगे। लेकिन इसमें युद्ध 1679 में हारने के बाद औरंगजेब ने हिंदू मंदिरों को तोड़ने के आदेश दिए थे, जजिया कर को दोबारा से लागू किया था, ये ध्यान रखना है। जैसे 1564 में अकबर समाप्त कर चुका था उस जजिया कर को दोबारा से इसी समय लगाया गया था राणा राज सिंह से पराजित के बाद में, ठीक है। तो अब यहां पर हमें ध्यान रखना है, तो जब किशनगढ़ की राजकुमारी थी चारुमती, चारुमती के विवाह प्रसंग को लेकर राणा राज सिंह और औरंगजेब के मध्य में संघर्ष होता है। और उसी समय ध्यान रखना है आपको कि आपने सुना होगा हाड़ी रानी कर्मवती जिसने अपना शीश काटकर भेंट किया था, वो यही घटना है। रतन सिंह चूड़ावत राणा राज सिंह के ही सेनापति थे और जब युद्ध चल रहा था औरंगजेब से तो रतन सिंह चूड़ावत ने अपनी पत्नी से एक सेनाड़ी मांगने के लिए अपना एक सरदार भेजा था, तो उन्होंने सेनाड़ी के बदले में अपना शीश काट कर भेंट किया था, वो यही समय है। इतिहास में बात करेंगे, बहुत लंबा होगा यहाँ पर। तो श्रीनाथ जी के मंदिर में जो मूर्ति लाई गई थी दोस्तों वो यहाँ से, जब औरंगजेब ने हिंदू मंदिरों को तोड़ने के आदेश दिए थे तो यहाँ वृंदावन से जो श्रीनाथ जी की जो मूर्ति है वहाँ के जो गोसाइयों ने वहाँ मूर्ति को तोड़ने से बचाने के लिए वहाँ से छिपाया और छिपाते छिपाते वो जंगलों में रहते रहते कहां तक पहुंचे थे, मेवाड़ के राणा राज सिंह की शरण में पहुंचे थे। और राणा राज सिंह ने उस मूर्ति को इस सिहाड़ नामक स्थान पर यहां बनास नदी के तट पर स्थापित करवाया था और वहां नाथ द्वारा या श्रीनाथ जी के मंदिर का निर्माण करवाया था। तो आपको यह ध्यान रखनी है। दूसरी बात अगर हम दोस्तों करें इस बल्लभ संप्रदाय की, तो ये जो बल्लभ संप्रदाय है इस बल्लभ संप्रदाय में जो अनुयायी होते हैं, ये इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है कि बल्लभ संप्रदाय के जो अनुयायी होते हैं, बल्लभ संप्रदाय के अनुयायी अपने जो आराध्य देव हैं, अपने आराध्य देव की एक दिन में 8 बार पूजा करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि कौन से संप्रदाय के अनुयायी अपने आराध्य देव की एक दिन में 8 बार पूजा करते हैं, वो संप्रदाय कौन सा है? बल्लभ संप्रदाय माना जाता है। दोस्तों किशनगढ़ अजमेर, जो मैंने अभी आपसे बात की थी किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती, तो जो किशनगढ़ राज परिवार था, किशनगढ़ राजवंश के शासक थे सावन सिंह, और सावन सिंह ने अपना राजपाट त्यागा और अपना राजपाट त्याग कर इसी संप्रदाय के अनुयायी बने थे। ये प्रश्न भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों यहां ध्यान रखना है कि किशनगढ़ राज परिवार, इंपॉर्टेंट रूप से यही ध्यान रखना है, किशनगढ़ जो राज परिवार है या किशनगढ़ राज परिवार, या मैं कह दूं किशनगढ़ के जो शासक है वो पूरा का पूरा राज परिवार ही हो गया था, किशनगढ़ राज परिवार इस संप्रदाय का अनुयायी माना जाता है, ठीक है। उन्होंने अपना राजपाट छोड़कर इस संप्रदाय की अनुयायी बने थे। और किशनगढ़ के शासक राजा सावंत सिंह, ध्यान रखना है, किशनगढ़ के शासक राजा सावंत सिंह अपना राजपाट छोड़कर जब इस संप्रदाय के अनुयायी बने थे और भगवान श्री कृष्ण के इस संप्रदाय में अनुयायी बने और वो भक्ति में लीन हो गए और वो भक्त नागरीदास के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। ध्यान रखना है कि किशनगढ़ के राजा सावन सिंह जो थे वो
इस सभ्यता इस संप्रदाय के अनुयायी बने और किस नाम से प्रसिद्ध हुए थे? भक्त नागरी दास के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। दोस्तों इस संप्रदाय के प्रवर्तक तो माने जाते हैं बल्लवाचार्य, लेकिन इस संप्रदाय को आगे बढ़ाने का कार्य इस बल्लवाचार्य के पुत्र थे विट्ठल दास। कौन? विट्ठल दास। ध्यान रखना है कि इस संप्रदाय को आगे बढ़ाने का जो श्रेय दिया जाता है, इस संप्रदाय को आगे बढ़ाने का श्रेय बल्लवाचार्य के पुत्र विट्ठल दास को भी दिया जाता है। विट्ठल दास जी ने अपने समय में यहां पर 8 जो कवि थे उनको एकत्रित किया था और एक मंडली बनाई थी, एक टोली बनाई, जिसे अष्ट छाप कवि मंडली के नाम से जाना जाता है। विट्ठल दास ने अष्ट छाप कवि मंडली का गठन करवाया था और इस विट्ठल दास को, इस संप्रदाय को आगे बढ़ाने का क्या दिया जाता है? श्रेय दिया जाता है। इस बल्लभ संप्रदाय में अगर हम बात करें दोस्तों, तो इस बल्लभ संप्रदाय में जो मंदिर होता है, यहां पर ध्यान देना है आपको कि इस संप्रदाय में मंदिर को हवेली कहा जाता है। ध्यान रहे कि इस संप्रदाय में मंदिर को क्या कहा जाता है? हवेली कहा जाता है। प्रभु जो दर्शन होते हैं या दर्शन जो है प्रभु के, दर्शन को झांकी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है आपको कि इस संप्रदाय में मंदिर को क्या कहा जाता है? हवेली के नाम से जाना जाता है। दर्शन को क्या कहा जाता है? झांकी कहा जाता है। ईश्वर कृपा, जो कृपा होती है अपने आराध्य देव की, ईश्वर कृपा को पुष्टि कहा जाता है। ध्यान रखना है, ईश्वर कृपा को क्या कहा जाता है? पुष्टि कहा जाता है। तो ध्यान दें, मंदिर को क्या कहा जाता है? हवेली। दर्शन को क्या कहा जाता है? झांकी। ईश्वर कृपा को क्या कहा जाता है? वह पुष्टि। और संगीत को हवेली संगीत के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखना है दोस्तों, हवेली संगीत। यहां से प्रश्न आता है, कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है, आप ध्यान रखेंगे कि बल्लभ संप्रदाय जो है, इस बल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक बल्लभाचार्य है। ठीक है, कि एक बार मैं रिवाइज करवा दूंगा इसको कि बल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हो गए? बल्लवाचार्य हैं। बल्लवाचार्य ने अणुभाष्य नामक ग्रंथ की रचना की थी, शुद्धाद्वैतवाद दर्शन को प्रतिपादित किया था। ठीक है, इस संप्रदाय की राजस्थान में प्रधान जो पीठ है, प्रधान पीठ कहां पर स्थित है? सिहाड़ नाथद्वारा राजसमंद में स्थित है, जहां पर ये जो मूर्ति लाई गई थी वो वृंदावन से लाई गई थी और बनास नदी के तट पर राणा राज सिंह के शासनकाल में इसको स्थापित करवाया गया था। ठीक है, इस संप्रदाय के जो अनुयायी होते हैं वो अपने आराध्य देव की एक दिन में कितनी बार पूजा करते हैं? 8 बार पूजा करते हैं। इस संप्रदाय के जो लोग होते हैं वो भगवान जो कृष्ण हैं, कृष्ण की बाल लीलाओं का गुणगान करते हैं और उनके बाल स्वरूप को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, और यहां पर इस संप्रदाय को आगे बढ़ाने का जो श्रेय दिया जाता है वो विट्ठल दास को दिया जाता है और उन्होंने अष्टछाप कवि मंडली का गठन किया था। इस संप्रदाय में अगर बात करें तो मंदिर को, यहां पर ध्यान रखना है आपको, प्रश्न देता है, मंदिर को क्या कहा जाता है? हवेली कहा जाता है। दर्शन को क्या कहा जाता है? झांकी कहा जाता है। ईश्वर कृपा को क्या कहते हैं? पुष्टि कहते हैं। और संगीत को क्या कहते हैं? हवेली संगीत। और दोस्तों यहीं से प्रश्न आपके लिए बनता है कि इस संप्रदाय की प्रधान विशेषता क्या है? बल्लभ संप्रदाय की सबसे प्रमुख विशेषता है हवेली संगीत। बस आपको ध्यान रखना है कि बल्लभ संप्रदाय की प्रधान विशेषता क्या है? हवेली संगीत। यह सीधा प्रश्न आएगा, हवेली संगीत किस संप्रदाय की प्रधान विशेषता है? तो आपको करना है बल्लभ संप्रदाय। तो दोस्तों दो संप्रदाय आपके हुए, संप्रदायों का वर्गीकरण इस टॉपिक में मैंने आपको करा दिया। आगे हम इन संप्रदायों को आगे बढ़ाते हुए चलेंगे और नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक लेता हूं मैं विदा। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली जो वीडियो है वो सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपसे विदा लेना चाहता हूं। नमस्कार, जय हिंद।